हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी भरी मच्छी करी, बंगाल और महाराष्ट्र का कॉम्बाइन। तो शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है 400 ग्राम मछली धोकर, थोड़ा हल्दी मिर्च और नमक लगा के थोड़ा शैलो फ्राई कर लिए। और इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 स्पून तीखा रेड चिली पाउडर, 1 टमाटर काटा हुआ है, 2 प्याज को मैंने पीस लिया है, इसमें अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट बना लिया है, ये 1 टीस्पून डालेंगे। इसमें हमने 4-5 हरी मिर्च लिया है, धनिया पत्ता काट के रखे हैं, नमक स्वाद अनुसार। ये कटोरी में मैंने 7-8 काजू, 1 टीस्पून खसखस, थोड़ा नारियल का टुकड़ा और 2 दंडी धनिया पत्ता और 2 हरी मिर्च और 2 चम्मच सरसों, ये सभी को मिला के एक पेस्ट बना लिया है। ये हम पूरा डाल देंगे। और ये हमने फिश करी मसाला 2 चम्मच डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने 75 ml ऑयल ले लिया है, इसको गरम कर लिए। आप चाहे तो कोई भी खाने का तेल, सरसों कोई भी खाने का तेल ले सकते हैं। अगर सरसों तेल लेंगे तो मछली बहुत टेस्टी ज़्यादा बनेगा। ये देखिए, मैं इसको प्याज डाल रही हूँ। और इसमें अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट, इसको घुमा देंगे। थोड़ा फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे। 2 स्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि मैंने पहले से मछली को थोड़ा हल्दी लगा के रखे हैं, और नमक स्वाद अनुसार। और भी थोड़ा बढ़ाएंगे फ्लेम को और इसको ऐसा चलाते रहेंगे। दो मिनट के बाद ये मसाला को हम पूरा डाल देंगे। हाई फ्लेम में इसको 5 मिनट ऐसा घुमाएंगे। ये मसाला नीचे चिपक ना जाए। फिर ये टमाटर डाली हूँ मैंने। ये टमाटर जब गल जाएगा और ये मसाला पूरा तेल छोड़ेगा, इसको ढककर मैंने लो फ्लेम में 5 मिनट पका लिया। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है। फिर इसको खोल के 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे। इसमें जब उबाल आ जाएंगे, ये देखिए दोस्तों, इसमें उबाल आ चुका है और हम मछली ऐड करेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 स्पून फिश करी मसाला, 4 हरी मिर्च और फिर इसको घुमा लेंगे।
इसको ढक के 3 मिनट पकाएंगे। चलिए दोस्तों 3 मिनट हो चुका है, फिर ढक्कन को खोलते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही। फिर इसमें हम काटी हुई हरे धनिया डाल देंगे। इसको थोड़ा घुमा देंगे। और 2 मिनट इसको लो फ्लेम में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों 2 मिनट हो चुका है, फिर हम ढकना को खोल। बढ़िया खुशबू आ रहा है, पूरा किचन हमारा खुशबू से भर गया है। अब ये रेडी हो चुका है पूरा, इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। नाउ इट इज़ रेडी टू सर्व हरी भरी मच्छी करी। आप इसको रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। ये खाने में इतना स्वादिष्ट है, घर पे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।